सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं एक ऐतिहासिक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का 125 सीआरपीसी में क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। आप इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे ऐसे ही नए नए जजमेंट ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर 4 नवंबर 2020 को ऐसा कौन सा जजमेंट दिया है जिससे पुरुषों की जीत हुई है और महिला की हानि हुई है। लेकिन दोस्तों अब 125 सीआरपीसी का केस करने से पहले पत्नी को 100 बार सोचना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ दोस्तों, 100 बार सोचना पड़ेगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अभी हाल ही में 4 नवंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल जजमेंट दिया है 125 सीआरपीसी पे, जिसमें पहले पुरुष अपनी आय कोर्ट के सामने रखता था कि मैं इतना कमाता हूँ, इतना खाता हूँ, इतने मेरी बैंक बैलेंस है, इतनी मेरी प्रॉपर्टी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस पत्नी के द्वारा 125 में केस किया है उसकी भी आय क्या है, वह क्या करती है, उसकी इनकम क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट गाइडलाइन दिए। क्योंकि पहले यह होता था कि जैसे ही पत्नी 125 सीआरपीसी का केस करने जाती थी तो कोर्ट उसे ये कहते थे कि इसकी इनकम आप बताइए, इनकी इनकम कितनी है क्या नहीं है। लेकिन अब कोर्ट ने ये कहा कि आपकी इनकम भी क्या है, आपके सोर्स क्या है, आप कितने कमाते हो, आप सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट, ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन इस जजमेंट से अपनी जीत हुई है दोस्तों, क्योंकि इस जजमेंट में स्पष्ट कहा है, जिसका जजमेंट का नाम है राजेश बनाम नेहा वर्सेज, ये अभी हाल ही में 4 नवंबर 2020 को हुआ है। इसकी जो भी सारी चीजें हैं, मैं इस का केस नंबर ये है, अपील नंबर ये है, सारी चीजें आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे जाके। इसलिए दोस्तों राजेश बनाम नेहा वर्सेज जो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं उसे देखे और आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं और इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं। और आप इसी जजमेंट के माध्यम से आप भी, अगर आपके ऊपर ऐसा 125 सीआरपीसी का केस है तो आप उसे खारिज करवा सकते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं इस जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2020 को दिया है उसे ऐतिहासिक मानता हूं, क्योंकि आजकल 125 सीआरपीसी का इतने केस बढ़ गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति जैसे छोटी मोटी डिस्प्यूट होती है तो 125 सीआरपीसी का केस, भरण पोषण का केस कर देती है। तो इसलिए कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप कितने कमाते हो, पति कितना कमाता है, सारी देखने के बाद ही हाई कोर्ट डिसाइड कर सकता है कि आपको इतनी इनकम 125 का भरण पोषण दे सकता है। इसलिए दोस्तों ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, और आप इस चैनल पे अगर प्लीज नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पेज का मैंने लिंक दे रखा है उसे भी जाके आप हमारे पेज पे देख सकते हैं, क्योंकि मैं हर चीज पेज पे भी अपलोड करता हूँ। जो इस YouTube के पे नहीं कर पाता हूँ वो आप पेज पे देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आज सभी को हमारे इस YouTube चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।